अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज़ 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बीबी का कत्ल करने के बाद लाश को लेकर शौहर पहुंचे उस्मानिया हॉस्पिटल। हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीबी का कत्ल करने के बाद लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल ले आए। ये वाकया शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर का है, जहां मोहम्मद हसन नामी शख्स ने अपनी बीवी इस अस्मा बेगम का चाकू से गला काट कर बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया और लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल ले आए। सिक्योरिटी गार्ड ने शुबा की बुनियाद पर इस शख्स से मामले की दरियाफ्त की तो इसने बताया कि कचरे से ये लाश बरामद हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने इस शख्स को डराकर हकायक मालूम करने की कोशिश की तो इसने बताया कि वो खुद ही अपनी बीवी का कत्ल कर दिए है और इसने अपनी जेब से चाकू भी निकाली, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इस दौरान मुतफी के रिश्तेदारों ने कातिल को हॉस्पिटल में ही मारपीट शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मालूम हुआ कि मुतफी अस्मा बेगम नापली कांग्रेस के लीडर फेरोज खान के घर में मुलाजिमा थी और इस वाकये की इत्तला मिलने पर फेरोज खान भी हॉस्पिटल पहुंचकर मालूमात हासिल किए। नाज़रीन, मरहुमा खातून के हैवान नुमा शोहर ने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसका किसी और के साथ चक्कर है। अस्मा बेगम को 6 बेटियां हैं जो स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। कत्ल की ये वारदात इतनी दर्दनाक है कि कोई जानवर को भी इतना बेदर्दी के साथ ज़ुबान ना किया हो। नाज़रीन, शहर में आए दिन ऐसे कई दिल दहलाने वाले वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। शोहर, जिसे इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है, वो अपनी बीवियों के साथ जानवर जैसे सुलूक करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। हमारे चैनल की जानिब से हुकूमत से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि वो ऐसे हैवान शोहरों के खिलाफ अपनी बीवी पर जुल्म करने ऐसी सज़ा मुकर्रर करें कि कोई भी शख्स किसी और की बेटी के साथ अपनी गंदी सोच का इल्ज़ाम लगाकर हाथ लगाने से भी कांपे। आइए देखते हैं इस खसूस में इसके मज़ीद तफसील हमारी ख़ास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के